विधायक जी का कॉल आया था, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं और फ्लीट में ऐड करने के लिए उन्हें एक और गाड़ी चाहिए जो तगड़ी है और कहीं पर भी आराम से चले जाए और चार लोगों को आराम से बिठाए। तो ऑब्वियसली मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मारुति जिम्नी। ये क्यों आ गए? बासब, विधायक जी को ना अपने काफिले में साथ चलने के लिए तगड़ी गाड़ी चाहिए। उनकी फ्लीट के लिए कोई खिलौना नहीं, उनको चाहिए महिंद्रा थार। ये मारुति जिम्नी नहीं। देख, विधायक जी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये परफेक्ट है उनके लिए। और ऐसा क्या है तेरी थार में जो जिम्नी नहीं कर सकती? देखो भाई साहब, एक बात तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि विधायक जी की रिक्वायरमेंट्स को मेरे से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। हाँ, वो तो पता ही है पिछली बार क्या हुआ था, याद है? विधायक जी, बस 2 मिनट का समय, 2 मिनट। चुप बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाई साहब, पिछली बातों को बीते हुए कल में रहने दो ना। अब आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थार क्या क्या कर सकती है। सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट विधायक जी की गड्डियों का होता है कि लोगों की उनसे डरे, लोग उनसे डरे और सारी नाकाबंदियां अपने आप ही उनको देख के खुल जाए। अब यो देखो थार, ये जब फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के साथ चलेगी तो काफिले की शोभा ही तो बढ़ाएगी। अब उसको देखो जिम्नी को, पहली बात तो इतनी बड़ी गाड़ियों के सामने दिखे ना, और इस हरे गुलदस्ते को देख के डरेगा कौन? देख, दिखने के मामले में ना ये SUV तो लगती है, हाँ साइज के मामले में थोड़ी छोटी है तो उतना प्रेजेंस नहीं है, लेकिन क्यूट लगती है। और विधायक जी के फ्लीट में काफिला, काफिले में मे बी ये सूट नहीं करेगी, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट था कि चार लोग आराम से बैठ पाए, तो उसका क्या? ये देखो कितने आराम से तो बैठे हैं, जगह ही जगह है, और ऊपर से इसको लटक के आराम भी तो कर सकते हैं। हो गया, चल बाहर निकल। तू उतरो। तू उतर। अरे पर आपको उतरना पड़ेगा ना पहले। नहीं, तू खिड़की से बाहर जा। ये देख, दरवाजे हैं, दरवाजे ऊपर से खिड़कियां भी खुलती हैं, सीट्स भी रिक्लाइन होती हैं, स्पेस भी काफी है इस गाड़ी में। गाड़ी से बाहर भी आराम से उतर सकते हो। अभी सोच लो कि गाड़ी से जल्दी से उतर के किसी को पकड़ना है तो तू थार में जाएगा या जिम्नी में? अरे एक गाड़ी तो अंदर से भी खिलौने जैसी लगती है, क्या छोटी सी है भाई। इसमें देख फीचर्स कितने बढ़िया हैं, पुश बटन स्टार्ट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, एक बड़ा 9 इंच का टच स्क्रीन है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ऑटोमेटिक। भाई साहब, आप शायद भूल गए हो कि पिछली बार हमने आपको क्या बोला था। ना इसमें एंड्रॉइड ऑटो है ना एप्पल कारप्ले। देखो, जिन रास्तों पे हम निकलते हैं ना, वो गूगल और सिरी जानते भी ना है। और इतने बड़े टीवी का गाड़ी में जरूरत क्या है, और ऊपर से इस गाड़ी में तो सामान रखने की भी कोई जगह नहीं है। और आपको तो पता है कि हमारा सामान कितना बड़ा होता है। आओ थार में आओ। ये देखो भाई साहब, अंदर से भी कितनी बड़ी और फौलादी गाड़ी है, ऊपर से इसमें भी वो टच स्क्रीन तो दे ही रखा है, और इसमें ना वो ऑफ रोड की जानकारी भी आती है सारी, और ड्राइवर के सामने भी एक स्क्रीन दे रखी है। बोलो, है आपके जिम्नी में? अरे कितने फीचर्स काम है इसमें, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है। भाई साहब, क्या है कि हम ना थोड़े गर्म मिजाज के आदमी है, अरे जब ये हम ही को ठंडा कर देता है तो और किस चीज की जरूरत है। और सेफ्टी का क्या, सिर्फ 2 ही एयरबैग है जिम्नी में तो 6 स्टैंडर्ड। भाई साहब, इस बार क्या है ना कि हम भी रिसर्च करके आए हैं, इस गाड़ी को ना 4 स्टार मिले क्रैश टेस्ट में, आपकी जिम्नी को कितने मिले? इसमें तो हेडलैम्प वॉशर भी नहीं है, उसका क्या? अरे भाई साहब, उसके लिए रखा है ना लड़का हमने। अरे सोनू, चल अभी ये बता, ये दिक्कत कैसे सॉल्व करेगा तू? कौन सी? आजा बता। तो बहुत बड़ा सामान रखना है ना तुझे, कहाँ रखेगा इसमें? अरे तो आपकी जिमनी में कौन सी जगह आ जाती है थी? अरे है ना, आजा बता। खोल खोल, अरे अरुण जी, कैसे हैं आप? यहाँ कैसे?
अरे इन्हें मैं लेके आया हूँ परफॉर्मेंस और हैंडलिंग करने के लिए इन दोनों गाड़ियों के। अरे भाई क्यों इस थार के सामने इस जिमनी की बेइज्जती कराना चाहते हो? इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो चल आजा रेस लगाते हैं। चलो 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 अलुन जी कम ऑन। क्यों बात साहब अब आएगा ना मजा बहुत। ये लोग क्या कर रहे हैं गाड़ी के आसपास? तुम अकेले जाते हो कि काफिलों में? हाँ सब ये बात गलत नहीं देखो ये गलत कर रहे हैं आप बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं आप साइड में नहीं भाई साहब ये गलत कर रहे हैं आप नहीं ये गलत बात। 3 2 1 गो। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया 23 सेकंड इट टू 23 सेकंड। देखते हैं ना थार में कितना। ले आओ थार ले आओ। चलो चलो। अरे क्या कर रहे हैं लड़के? अरे जल्दी बैठो। अरे रोटी नहीं खाई क्या आज? अरे जल्दी करो। अरे आराम से आराम से। अरे जल्दी आओ जाओ। अरे कुछ खराबी आ गई थी स्टॉप वॉच में है तो गाड़ी बहुत तेज। भाई साहब अच्छा ये बात बताओ आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि चार जने थार में बिठा भी दो तब भी वो जिमनी से तेज है? चलना एक सेकंड। देख तू पीछे हो थोड़ा। अरे नहीं कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ पीछे हो। देख 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 बोला ना दो कोन उड़ा के गई है वो तो दो कोन मर कितना कंट्रोल गई कंट्रोल दो में गई दो कोन उड़ गए लेकिन मस्त था। आप थार आन दो। अरे कुछ नहीं होगा। अरे आप आओ ना इधर कुछ नहीं होगा। पागल हो गया क्या? मर जाता ठीक तो था खड़ा रहता फिर वहां पे ठीक था। बात तो आप ना हमेशा पते की करते हो। गाड़ी तो ये जिमनी भी बढ़िया है। चार दरवाजे बड़ा बूट हमारे धंधे में तो बड़े काम की चीज है। ऊपर से बढ़ती उम्र के साथ साथ कंफर्ट भी जरूरी हो ही जाता है। ये तो आप समझते ही होगे। समझता हूँ लेकिन एक बात बताऊं ये थार भी ना काफी दमदार है।
इसका साइज, परफॉर्मेंस, प्रेजेंस और इसकी ऑफ रोड एबिलिटी तो लेजेंडरी है। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये महिंद्रा वाले भी इसमें चार दरवाजे दे देते तो क्या मजा ही आ जाता है। थार का दमदार परफॉर्मेंस और उस गाड़ी का कंफर्ट, मानो कि रब ने बना दी जोड़ी, जैसे कि मेरी और विधायक जी की है। तो आ रही है ना फाइडो थार? क्या बात कर रहे हो, कब? अगले साल, लेकिन इससे महंगी होगी। अरे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो विधायक जी को बताना पड़ जाएगा। तो आपकी चॉइस कौन सी है, दमदार थार या फिर सेंसिबल जिम्नी या फिर रब ने बना दी जोड़ी थार फाइव डोर? अरे विधायक जी पीपी, हाँ मैं यूँ कह रहा था कि ये गाड़ी लेने का जो अपना फैसला है ना, थोड़ा आगे खिसका देते अपन। इनका तो चॉइस हो चुका है। इन दोनों गाड़ियों के साथ कुछ मजा सा नहीं आया। अरे लेकिन ये भाई साहब ने बढ़िया स्कीम बताई, वो कह रहे हैं कि अगले साल ये महिंद्रा थार में बिना पांच दरवाजे आने ही वाले हैं, अपन वो ले लेंगे। थोड़ी महंगी बता रहे हैं वो, लेकिन ले लेंगे अपन, डीलरशिप से डिस्काउंट विस्काउंट कुछ ले लेंगे। डिलीवरी? अरे वो तो ये भाई साहब दिलवाई देंगे ना, ये तो सबको जानते हैं। हाँ सब हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। पीपी पीपी, ओ भाई साहब मैं क्या, आपके विधायक जी भी इसकी अर्ली डिलीवरी निकलवा नहीं सकते? भाई साहब अब तो आपको निकलवानी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर वालों को ना आपकी डिलीवरी ना मिलेगी।